आइए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक सवाल समझ लेते हैं। एक हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हम एक्स की कुछ वैल्यू है, वाई की कुछ वैल्यू है और हमने यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस टेबल को ऑलरेडी बना करके रखा है। हमें यहाँ पर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन एक्स इक्वल्स टू 32। हमारे पास नियरर वैल्यू 32 के लगभग इस 30 के पास पड़ती है, तो हमने इसको एक्स जीरो मान लिया है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स जीरो ये हमारे पास वाई जीरो बन गई है। डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग जब हमने देखा है तो ये हमारे पास वाई माइनस वन, वाई माइनस टू, वाई वन एंड वाई टू है कॉरेस्पॉन्डिंगली। और आपको पता है ये फैशन नीचे की तरफ चलता है, यानी ये वैल्यूज़ वाई जीरो की डायगनल फैशन में नीचे की तरफ चलेंगे, तो ये हमारे पास डेल्टा वाई माइनस वन आ गया, क्योंकि ऐसे चल रहा है, ये वाई माइनस वन आया है तो ये डेल्टा स्क्वायर ऊपर से आ गया है, ये डेल्टा इस क्यूब वाई माइनस वन आ गया। सिमिलरली डेल्टा की वैल्यूज़ आप वाई टू की यहाँ पर देख सकते हैं, वाई माइनस टू, वाई माइनस टू, वाई माइनस टू, वाई माइनस टू एंड डेल्टा फोर कॉलम वाइज, डेल्टा क्यूब, डेल्टा स्क्वायर एंड नॉर्मल डेल्टा, सिमिलरली दैट इज़ डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट एंड ऑन। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए, हमने सभी पे मार्क कर ले ताकि जो हम फार्मूला में वैल्यू को रखें तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। आ जाते हैं गॉस फॉरवर्ड से, पहले से सॉल्व करेंगे इसे, हम तीनों से सॉल्व करने वाले हैं, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्टर्लिंग फार्मूला, तीनों से देखते हैं हमारे पास आंसर सेम आता है क्या। पहले आ जाते हैं हम गॉस फॉरवर्ड से सॉल्व करने वाले हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है गॉस फॉरवर्ड का, इसके बेसिस पर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाई नॉट है, हम वैल्यूज़ को रख देते हैं यहाँ से। वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास है 47 प्लस पी, हम यहाँ पर पहले पी निकाल लेते हैं, हम पी निकालना भूल गए, तो दैट विल बी पी इक्वल्स टू 32 जो हमें वैल्यू निकालनी है, और नियरर वैल्यू इज़ 30, एक्स नॉट की वैल्यू हमने 30 ले ली है एंड देन एच इज़ 10, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ इक्वल टू 0.2 हमारे पास पी आ गया है, तो दैट इज़ 0.2 मल्टीप्लाई विद डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं 13 प्लस 0.2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है एंड देन मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1, तो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 4 है, हमने यहाँ से 4 लिख ली है, प्लस ये इन वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगी 1.2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई एंड देन हम यहाँ पर इस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 यहाँ से लिख सकते हैं, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3, तो माइनस 3 हमारे पास इधर से आ गया, प्लस इन वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गई 1.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज 24, और हमने यहाँ से देखा डेल्टा 4 की सिंगल वैल्यू हमारे पास है जो कि माइनस 10 है, हमने यहाँ पर इसको माइनस 10 लिख लिया। अब हम इन सबको वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं। आई कैलकुलेटर से इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, मैं इस एग्जांपल के लिए करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी के लिए हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। 47 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 0.2 दैट इज़ 2.6 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.2 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल्स टू दिस वन एंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ माइनस 0.32, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई विद 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.2 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई विद माइनस 3 इक्वल्स टू 0.576 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस 0.096 एंड फाइनली लास्ट वैल्यू के लिए हम देख लेते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई विथ 0.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस पॉइंट माइनस 3.546 डिवाइडेड बाई 24 विच इज माइनस 0.144। ओके, फाइनली इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं एक ही बारी में। 47 प्लस 2.6 माइनस 0.32 प्लस 0.096 माइनस 0.144 दैट इज 49.232। ओके, दिस इज आर वैल्यू थ्रू द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर एक्स इक्वल्स टू 32।
कहने का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 32 है तो y की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आ रही है। आ जाते हैं, देखते हैं इसको दूसरे गॉस बैकवर्ड के थ्रू हम इसको किस तरह से करेंगे। हम पहले यहाँ पर गॉस बैकवर्ड का एग्जाम्पल, गॉस बैकवर्ड का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो गॉस बैकवर्ड का फॉर्मूला है, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है गॉस बैकवर्ड का। अब गॉस बैकवर्ड के फॉर्मूले के थ्रू हम अगर इसमें वैल्यूज़ को करना शुरू करें, तो y नॉट इक्वल्स 247 प्लस p विल बी सेम दैट 0.2 मल्टीप्लाई विद डेल्टा y माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो हम इसकी 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आ जाते हैं ऊपर। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाई विद 0.2 एंड मल्टीप्लाई विद डेल्टा वाई नॉट वाई स्क्वायर वाई माइनस 1। तो डेल्टा वाई स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, आ जाते हैं। फैक्टोरियल 2 विल बी 2 ओनली। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.2 मल्टीप्लाई विद 0.2, 0.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है, एंड डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है, प्लस यहाँ से कर लेते हैं दैट इज़ 2.2, 1.2, 0.2 एंड 0.2 माइनस 1 अपॉन 24 मल्टीप्लाई विद डेल्टा फाइनल वैल्यू हमारे पास माइनस 10 है। इन इन फैक्टर्स को हम इजीली वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो हर एक फैक्टर को सॉल्व करने के बाद हमने देखा हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आ रही है दैट इज़ 47 प्लस 1.8 प्लस 0.48 माइनस 0.224 प्लस 0.176। फाइनली इनको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू निकल करके आने वाली है। 47 प्लस 1.8 प्लस 0.48 माइनस 0.224 प्लस 0.176 इक्वल्स टू 49.232 विच इज़ इक्वल्स टू दिस वन। मतलब हमारे पास गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड दोनों से बिल्कुल सेम वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है, ठीक है। तो दैट इज़ गुड साइन फॉर अस। देख लेते हैं स्टर्लिंग फार्मूला में जब इसको वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल करके आने वाली है। हम यहाँ पर स्टर्लिंग का फार्मूला लिख लेते हैं, स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला होने वाला है, याद, आई होप कि आपको याद होगा। हम यहाँ से भी निकालने की कोशिश कर लेते हैं इसको। वाई नॉट आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जी। वाई नॉट प्लस पी हमारे पास कॉमन आ गया है, तो पी डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 अपॉन 2, ये यहाँ से आ गया इन दोनों के फैक्टर से। इसमें हम बात कर लेते हैं, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर एलिमेंट कॉमन आ गया है, और हमने जब इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही थी पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और हमारे पास ये चीज़ कॉमन आ गई डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1, प्लस ये हमारे पास कॉमन है ही है पहले से, ठीक है। तो पी प्लस 1 पी पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 हमारे पास कॉमन है, और इन दोनों वैल्यू को हम एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, सॉरी एडिशन के साथ एवरेज कर देंगे, प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन 2, ये हमारे पास फोर्थ फैक्टर आ गया। एंड फाइनली इस फैक्टर को हम जब सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास आने वाला था पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन टर्म विच इज़ डेल्टा 4 वाई माइनस 2। आ जाते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू निकल करके आने वाली है। वाई नॉट की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं 47 प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 0.2 है। डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, डेल्टा वाई नॉट 13 प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 विच इज़ 9 अपॉन 2 प्लस पी स्क्वायर दैट इज़ 0.2 स्क्वायर अपॉन 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आ गई, एंड डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, दैट इज़ 2 ओनली, प्लस 1.2 माइनस 1 अपॉन 6, मल्टीप्लीकेशन में हम लिख देते हैं इसकी पूरी वैल्यू को, तो डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 हमारे पास आ गया है माइनस 3, प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, प्लस 0.2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमारे पास 24, एंड फाइनली हमारे पास माइनस 10। आ जाते हैं, इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या वैल्यूज निकल कर के आ रहे हैं। वन बाई वन इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगा। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, 13 प्लस 9 इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 11,
मल्टीप्लाई विथ 0.2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 2.2। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.2 हमने इजिली निकाल दिया, तो 47 तो हमारे पास ऐसे का ऐसे रहा, दैट इज़ 2.2। आगे आ जाते हैं, इस कॉमन टर्म को सॉल्व करते हैं, तो हमने 2 से 2 काट दिया, हमारे पास आ गया है पॉइंट, तो हम पहले 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2, हमारे पास आ गया है 0.08 प्लस 0.08। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास अब ये दो टर्म बचते हैं, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ 1.2 मल्टीप्लाई विद 0.2, 0.2 माइनस 1 इक्वस टू, सॉरी 1.2 0.2 माइनस 1 इक्वस टू दिस वन डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वस टू, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 0.032। हम यहाँ पर इसको रफ पे लिख लेते हैं, माइनस 0.032। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, तो माइनस थ्री प्लस 7 इक्वस टू, माइनस 3 प्लस 7 इक्वस टू नॉर्मल 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वस टू 2। तो हम इसकी 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 0.032, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है माइनस 0.064। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, फाइनली हमारे पास केवल ये टर्म बचा है सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस टू, सॉरी 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का अगेन स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास ऐसी कैसी आ गई, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 10 के साथ, फाइनल वैल्यू हमारे पास ही आया एंड डिवाइडेड बाई 24 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस 0.016। ठीक है, फाइनली अब इन सबको जोड़ देते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं भी कुछ भी आपके पास गलती हुई है, तो फिर ये वैल्यू गलत आनी है और ये वैल्यू गलत आनी है, तो फिर आपका पूरा का पूरा आंसर ख़राब हो जाना है, तो इनको बड़ा ध्यान से करने की कोशिश ज़रूरत है। आ जाते हैं, 47 प्लस 2.2 प्लस 0.08 माइनस 0.064 प्लस 0.016 विच इज़ इक्वल्स टू 49.232। आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों के तीनों मेथड से करने पर कॉमन हमारे पास वैल्यू आ रही, विच इज़ इक्वल्स टू 49.232। हमने किसी भी वैल्यू फार्मूले से किया है, इधर बाय दी गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला और स्टर्लिंग फार्मूला, हमारे पास तीनों में एक्स इक्वल्स टू 32 की वैल्यू जो है वो वाई पर 49.232 आ रही है। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द स्टर्लिंग फार्मूला, दैट इज सिंपलेस्ट यूज़ ऑफ स्टर्लिंग फार्मूला। आपको अगर गॉस बैकवर्ड और गॉस फॉरवर्ड के दोनों फार्मूला याद हैं, तो सिंपल कुछ भी कैलकुलेशन या इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने हर एक टर्म का जो है एवरेज निकाल देना है, एंड देन बाय दिस यू कैन सिंपली गेट द स्टर्लिंग फार्मूला। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बाकी हम लाइव लेक्चर्स में और भी बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।